एकदम से कार्ड वहां पे रखेंगे और भाग जाएंगे, प्रैंक कर देंगे। आज ये जो आईब्रो है ना नूप की, गायब है वो, सारे उड़ा देनी है। ओ भाई हेलो, सामान तो निकाल मेरे गाड़ी में से। साला वो काम वाला नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज का प्लान, मम्मी पापा ने कुछ ऐसे स्केड्यूल किया है कि अंकित रोनी को भेज दिया है चंडीगढ़ कुछ काम से, शॉपिंग वगैरह या कोई सामान वगैरह रहता होगा वो। एंड सोमू और मुझे कहा कि देहरादून के कार्स देके आओ, तो सोमू और मैं चले देहरादून, रेडी तो हो चुका हूँ, अब कार्स वगैरह लेके चलते हैं। रेडी होगी? हाँ। अब ये कार्स वगैरह जो भी देने हैं सारे पैक कर लो। ये हाँ, ये तो मैं हाथ पे ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलें फिर, रेडी हो? चलो, हमारा सारा सामान पैक हो चुका है, अब हम निकलते हैं। ये मम्मी भी यहीं पे, आवाज ही मार रहा था मैं। माँ चलो हम जा रहे हैं फिर। ओके भाई, ठीक है, ध्यान से जाना, ठीक है। चल भाई, तू भी चल, सारा सामान सामान पकड़ लो। क्या से पकड़ूंगा? आपको पकड़ना पड़ेगा। क्या मैं क्यों पकड़ूं सारे, तू पकड़ेगी? क्यों, कैसे पकड़ूंगी मैं सारा? हाथों से। इसके बस की कुछ नहीं है, बस ड्रामे करती रहती है हर टाइम। चलो कोई बात नहीं, ओके मम्मी बाय डाडा, सी यू। आया तो हमें कल तक, ठीक है बाय। आपने बताया हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रही है? देहरादून। और ना हम सरप्राइज देंगे, मतलब उन्हें नहीं पता हम आ रहे हैं। इसने कहा मैं अपने मम्मी डैडी को सरप्राइज दूंगी। सबको ब्रेक मत मारना, सारा गिर जाएगा। ठीक नहीं मारूंगा, धीरे चलना। और हम निकलते हैं फिर अपने सफर पे। तो यार गाड़ी चला के बहुत थक गए थे, तो सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लें रुक के। तो अभी हमने जो स्पॉट चूज़ किया है वो दिखाता हूँ आपको। जब हम पहले देहरादून आते थे ना, तो इस एरिया में खेत हुआ करते थे। फिर शायद इस होटल वाले ने अपने व्यू के लिए ये लेक कंस्ट्रक्ट किया है, तो बढ़िया है। वैसे एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या कह रही? और ये एरिया ना आजकल टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है पूरा। देखो वो बंदे अभी तक यहीं पे थे और वो जा रहे थे। हाँ भाई, जगह वैसे है बहुत अच्छी, क्योंकि ना यहाँ वहाँ से इधर आते आते ना चक्कर आ जाते हैं बहुत सारे, मतलब सर घूमने लगता है, पहाड़ है ना बीच में। तेरे को चक्कर भी तो सारे आते हैं बहुत सारे, एक आधा चक्कर थोड़ी ना आता तेरे को, मतलब पहाड़ है ना तो। हाँ समझ गए, सर में चक्कर आ जाते हैं। हाँ समझ हो गया, सर में तो चक्कर आते हैं, दिमाग घूम जाता है। हाँ हाँ, तो फिर ये स्पॉट अच्छी है, मतलब यहाँ पे मतलब ये है कि बैठ जाओ थोड़ी देर तो दिमाग ठीक हो जाता है। जैसे मेरा भी सर में चक्कर आ गए थे बहुत ज्यादा। ओके देन गाइस, हम निकलते हैं अभी आगे को। घर से भी कॉल्स आ रही हैं कि पहुंच गए नहीं पहुंचे। हम अगर ऐसे ही रुकते रुकते गए फिर तो लग रहा है 3 घंटे का सफर 6 घंटे का हो जाएगा, है ना। तो अब निकलते हैं। और हमने बताया भी नहीं है किसी को। अच्छा अच्छा, वो तो इसके घर पे नहीं बताया ना, कॉल्स तो अभी हमारे घर से आ रही है कि पहुंच गए, तो इसके घर पे तो सरप्राइज ही मिलेगा, एकदम से पहुंच जाएंगे, कार्ड वहां पे रखेंगे और भाग जाएंगे, प्रैंक कर देंगे, ये लो कार्ड हमें निकलना है यार हम जा रहे हैं, है ना? किया था मेरे ऊपर प्रैंक। हाँ, जैसे इसके ऊपर किया था ना, ऐसे ही करें क्या? जैसे आपने मेरे साथ किया था कि पार्सल आया है। हाँ ये भी हो सकता है, अभी पार्सल आया तो है वैसे, वो तो असली का आया ना। तो अच्छा वैसे ही नकली का भी भेजना है कोई? हाँ, क्योंकि अभी एक आया है ना तो अभी एक यकीन भी हो जाएगा। अभी रास्ता थोड़ा लंबा है, चलते चलते सोचते हैं, अगर कोई आइडिया आया प्रैंक का तो हम एग्जीक्यूट करेंगे पक्का। ठीक है चल चले फिर। चलो फिर, ओके धन्नो जल्दी चल। लीला जल्दी चल, वो है लीला। अच्छा धन्नो है ये तो, लीला है वो। लीला तू है? लीला मैं नहीं। शिनशान है तू तो? शिनशान जल्दी गाड़ी में बैठ, वरना यहीं छोड़ दूंगा। शिनशान। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं इनके घर में। अब हमने सोचा है, जैसे लास्ट टाइम मैंने सौम्या के साथ प्रैंक किया था कि बिन बताए घर के बाहर आया था, जैसे इन्होंने किया था मेरे साथ कि मुझे कॉल करके बोला था कि बाहर जा कोई डिलीवरी वाला आया अपना पार्सल ले ले, तो वैसे ही मैं राशु को कॉल करूंगी, मेरा कोई पार्सल वहां गलती से डिलीवर हो गया तो राशु बाहर आएगी और फिर देखते हैं उसके रिएक्शंस खुश होती है कि नहीं। वो रहा इसका घर सामने, पर उसकी एक बात है, वो ना एक्सप्रेशन नहीं देती। चलो कोई भी आएगा, जरूरी नहीं है कि इसकी बहन ही आए, क्या पता इसके मम्मी डैडी कोई आए तो उनके एक्सप्रेशंस वगैरह नोट कर लेंगे, पर देखेंगे अभी यार पता ना लग जाए। रुक जा रुक जा, राजू को कॉल कर दिया, वो बाहर आ रही है, अभी देखते हैं उसका रिएक्शन, नोट करते हैं। आगे आगे आगे,
हेलो राशु, क्या हाल है? तू सोती सोती उठी है क्या? तू सोती सोती उठी है? प्रणाम प्रणाम मच्छर। ये तो पहुंचो अच्छे से। क्यों? ओ भाई हेलो, सामान तो निकाल मेरे गाड़ी में से। साला वो काम वाला नहीं। काम वाला ही है। कितना बड़ा सरप्राइज। मजदूर, मैंने सुना तुम सो रहे थे। मैं नहीं सो रहा था, वो सो रही थी। वो कह रही जा तू लेके आ पर्स। सामान पकड़ तू चल। भाई गिरा दिया ना तू, गया फिर। चल 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 चल। सो भी यहाँ पे एक कंपटीशन शुरू होने जा रहा है राशु और शौर्य के बीच में। ये रे दोनों, ये राशु ये शौर्य, पता तो होएगा ही। मैं राशु नहीं हूँ, मैं सुहानी हूँ। अच्छा ओए, गेम क्या है? अरे कि को कौन नींबू को पूरा खा सकता है बिना रिएक्शन दिए। बिना रिएक्शन दिए और प्राइज मनी 50 रुपए जो राशु ने पहले से देने शुरू। अच्छा 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 अच्छा, हाँ पहले कौन खाएगा? कौन जीता? मैं जीत गया ना। पहले कौन? राशु। हाँ। क्या लगता है कौन जीतेगा? शौर्य जीतेगा क्योंकि उसके वैसे एक्सप्रेशन नहीं आते। तो अभी कोई नई बात नहीं है। एक्सप्रेशनलेस बंदा ये है। ऐसा बोला जाता है। देखा नहीं जब हमने सरप्राइज दिया? ऐसा मुंह था इसका। कह रहा कौन हो तुम? मतलब कुछ बोल नहीं है। कह रहा आगे चलो फिर अंदर। ऐसा मुंह था उसका पहले भी और अभी भी ऐसा। चलो ठीक है, लाओ चाबी दो, सामान अंदर रख देता हूँ। उसे पता है उसका काम क्या है। वही तो। चलो भाई राशु खाएगी पहले जूम करके। नहीं पूरा नहीं निचोड़ा भाई। हेलो तू निचोड़ा राशु के में, तू निचोड़ियो। नहीं ये शौर्य में भाई पूरा जा चुका है। वो देख असली तो अब निकाला इसने। ये एक्सप्रेशन आया था। ठीक है आया था। हाँ रिकॉर्डेड है कितना आया कितना नहीं आया। हम देख लेंगे। अपने नाखून से दांत लगाया। इस वजह से ना दांत से ऐसे बुखार ऐसे। भाई विनर तो राशु होगी मेरे हिसाब से। नहीं नहीं वो भी हो सकता है, पैसे भी कुछ भी कर सकता है। भाई ये तो हंसरा है, ये जीत गया। ये बड़ा कठोर बंदा है। हंसना एक्सप्रेशन नहीं होता। नहीं वो हंस रहा है, उसे तो कुछ रियलाइज ही नहीं हुआ। और तू तूने तो थोड़ा सा ऐसा दिया। नहीं भाई ये जीत गया। नहीं यार साफ पता लग रहा है ये जीत गया। नहीं 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 साफ पता लग रहा है। ये जीत गया भाई। जीते ही नहीं वो। पचास रुपए यहाँ से पता लगता है। इस बात से क्या पता लगता है? कि लड़कियाँ कमजोर हैं। लड़कियाँ कमजोर होती हैं। कोई दिक्कत नहीं, वो खुद बोलेंगे हाँ यार होती तो है। बायस डिसीजन ले रहे हो आप। जो है सो है। नहीं 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 रिप्ले करके दिखा दूंगा तुम्हारे को। ठीक है हां करना, रिप्ले करके देखना। ये सब 50 रुपए के पीछे हो रहा है। रोएगा दंगे हो सकते हैं। चल अब 100 रुपए हो गए तेरे तो। हां 100 रुपए खाया पिया कुछ नहीं है। 100 रुपए खर्चा पानी वैसे हो रहा। चलो हमने विनर तो अनाउंस कर दिया और विनर है ही नहीं मान रही मैं। अब ये माने ना माने हमें पता है भाई ये रोंटू है अपनी बहन की तरह। ये देखो दोनों देख, दोनों शक्ल दिख रहे हैं ना। आज आपकी यूनिब्रो गायब है। आज ये जो आईब्रो है ना नूप की गायब है, वो सारे उड़ा देनी है। आज रात सोते हुए मेरे साथ ये कुछ करेंगे मुझे लग रहा है। तो मैं सोऊंगा नहीं आज। आज सोऊंगा नहीं मैं। नहीं भाई देखो जो गलत है वो गलत है।
चलो क्या कर सकते हैं आप, चलो आप बोलो, आपके व्यूअर्स तो सही बोलेंगे। हाँ ठीक है, देख सकते हैं बारह पीछे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी चलो तुम भी चेक करके बताना कौन जीता कौन नहीं। इसके एक्सप्रेशन मतलब बिल्कुल ना के बराबर थे, वो जीतेगा, विनर वो है, ठीक है ना।